श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि रत्न की उत्पत्ति कैसे हुई। रत्न हम सब पहनते हैं, नीलम, मानिक, मूंगा, मोती रत्न है। रत्न पहनते तो सब है, पर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कभी आपने सोचा है कि बेशकीमती रत्न की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे बनते हैं? आज हम आपको इसके बनने की कहानी बताने जा रहे हैं। रत्न आकर्षक खनिज का एक टुकड़ा होता है जो कटाई और पॉलिश करने के बाद गहने और अन्य अलंकरण या ज्योतिष शास्त्र में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने एवं चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। राशि के अनुसार रत्न पहनना भी ज्योतिष शास्त्री बताते हैं और राशि के हिसाब से पहनना चाहिए। प्रॉपर ज्योतिष को आप पूछिए और उसके बाद ही पहनिए और उसको वगैरह दिखा कर। बहुत से रत्न ठोस पत्थर के होते हैं, लेकिन कुछ नरम पत्थर के भी होते हैं। रत्न कीमती पत्थर को कहा जाता है, अपनी सुंदरता की वजह से कीमती होते हैं। रत्न अपनी चमक और अन्य भौतिक गुणों के सौंदर्य की वजह से गहने में उपयोग किया जाता है। पत्थर काटने और पॉलिश से रत्नों को एक नया रूप और रंग दिया जाता है और इसी रूप और रंग की वजह से रत्न गहनों को और भी आकर्षक बनाते हैं। रत्न का रंग ही उसकी सबसे स्पष्ट और आकर्षक विशेषता है। रत्नों को गर्म करके उसके रंग की स्पष्टता बढ़ाई जाती है। रत्न कोई भी हो, अपने आप में प्रभावशाली होता है। मनुष्य अनादिकाल से रत्नों की तरफ आकर्षित रहा है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। रत्न शरीर की शोभा आभूषणों के रूप में तो बढ़ाते ही हैं और रत्न अपनी दैवीय शक्ति के प्रभाव के कारण रोगों का निवारण भी करते हैं। इन रत्नों से जहां स्वयं को सजाने संवारने की स्पर्धा में लोगों में पाई जाती है, वही संपन्नता के प्रतीक ये अनमोल रत्न अपने आकर्षण और उत्कृष्टता से सबको मोहित करके पूरे विश्व में बखाने जाते हैं। रत्न एक किस्म के पत्थर ही होते हैं, लेकिन सभी पत्थर रत्न नहीं कहे जाते। पत्थर और रत्न में कुछ फर्क है। यदि इस फर्क को बेहतर ढंग से समझ लिया जाए तो हम रत्न को पत्थरों से छाट कर निकाल सकते हैं, इनकी शिनाख्त कर सकते हैं और फिर अपने दैनिक जीवन में उनका बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसा ना करके हम बिना सोचे समझे रत्नों का इस्तेमाल करते हैं तो उल्टा असर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए रत्नों का उपयोग जांच परख कर तथा सोच विचार कर करना चाहिए। कुछ पत्थर या पदार्थों के गुण, चरित्र एवं विशेषताएं ऐसी होती हैं कि उन्हें देखते ही रत्न कह दिया जाता है, जैसे कि हीरा, मानिक, वैदुर्य, नीलम, पुखराज, पन्ना आदि को लोग रत्न के नाम से पुकारते हैं। वैसे वास्तव में ये सारे पत्थर ही हैं, लेकिन बेशकीमती पत्थर। रत्न का विशेष अर्थ श्रेष्ठतम भी है। इसी वजह से किसी खास व्यक्ति को उसके महत्वपूर्ण कार्य के लिए रत्न शब्द से विभूषित किया जाता है। प्राचीन काल से रत्न का अर्थ भूगर्भ या समुद्र तल से प्राप्त होने वाले हीरा, मोती, माणिक आदि समझा जाता रहा है। तो रत्न भाग्य परिवर्तन में शीघ्र अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इस तरह रत्न की उत्पत्ति होती है, अभी ग्रहों को प्रभावित भी करते हैं। दरअसल पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक पड़े रहने के कारण उसमें पृथ्वी का चुंबक तो तथा तेजत्व तो आ जाता है। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में जिस ग्रह का असर अधिक होता है, उस क्षेत्र के आसपास उस ग्रह से संबंधित रत्न अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वास्तव में पृथ्वी ग्रहों के संयोग से अपने अंदर रत्नों का निर्माण करती है, अतः इसे रत्नग भी कहा जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।